सो हे गाइस, आप लोगों का फिर से हमारे न्यू वीडियो पर स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने फोन के लाइट से किसी भी वीडियो को दीवार पर देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ सर्च करना है एचडी वीडियो स्क्रीन मिरर चेस्ट एप्लीकेशन है, इसको अपने फोन में आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आपको आगे का प्रोसेस क्या करना है। और हाँ गाइस, वीडियो के अंत में मैं आपको सब बताऊंगा कि एप्लीकेशन किस फोन में काम करता है, किस फोन में काम नहीं करता है, और ये एप्लीकेशन फेक है, रियल है। वीडियो के अंत में मैं आपको सब बताने वाला हूँ। इसको यहाँ से कर लेंगे ओपन, एंड कैसे ओपन करेंगे आपको यहाँ से एड वगैरह शो होगा। आपको यहाँ से करना है एड को क्लोज, उसके बाद करना है स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक, उसके बाद आपको फिर से यहाँ एड शो आपको यहाँ से करना है एड को क्लोज। तो गाइस, आपको इस एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा एड शो होगा, तो यहाँ से बोलिए करना है एड को क्लोज, उसके बाद करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको फिर से यहाँ से स्टार्ट का मतलब यहाँ से कंटिन्यू का एक बटन शो होगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से आपको आगे करना क्या है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से करेंगे क्लोज एड को, यहाँ से करेंगे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ से चार ऑप्शन शो होगा, तो पहले यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद फिर से आपको यहाँ एड वगैरह शो होगा। यहाँ से सिंपली करेंगे एड को पहले क्लोज। तो कैसे अभी जैसे जैसे आपको करना है कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है आपको करना है फिर से इस पर क्लिक करेंगे, फिर से आपको एड होगा, आपको एड को करना है क्लोज। और गाइस, उसके बाद आपको यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है स्क्रीन मिरर का, उसके बाद वीडियो प्लेयर का, उसके बाद वीडियो डाउनलोडर का, उसके बाद वीडियो मतलब व्हाट्सअप डायरेक्टर का। आपको अपने फोन के लाइट से वीडियो देखने के लिए आपको करना है दो नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक, जो आपको दिखाई दे रहा है दो नंबर पर, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर एड वगैरह शो होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो ऐसे इस पर क्लिक करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से आपको आगे करना है। यहाँ से आप अलाउ करेंगे, अलाउ करने के बाद आपको यहाँ से एड शो होगा, एड को कर लेंगे सिंपली यहाँ से क्लोज। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से आपको जो सभी फाइल वगैरह शो होगा, जो आपके फोन में फाइल वगैरह है जिसमें आपका वीडियो वगैरह, आपको सभी वीडियो आपको यहाँ से होगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए अपना खुद का एक वीडियो दिखाता हूँ आपको प्ले करके। तो यहाँ से पहले अपने यहाँ से कर लेंगे एक वीडियो को प्ले कर लेंगे, उसके बाद करेंगे यहाँ से एड को क्लोज। के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से आपको किसी एक वीडियो को प्ले करके, अपने खुद के वीडियो को यहाँ से कर लेंगे, किसी एक वीडियो को प्ले कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे फोन के लाइट से मतलब चलता है नहीं चलता है। यहाँ से करेंगे एड को क्लोज वीडियो प्ले करने के बाद। उसके बाद यहाँ से कर लेंगे अपने फोन के लाइट को पहले यहाँ से ऑन, मेरा वीडियो भी चल चुका है, और यहाँ से कर लेते हैं अपने फोन के लाइट को पहले यहाँ से ऑन कर लेते हैं। फोन का लाइट के ऑन करेंगे, यहाँ से मैं अपने लाइट को पहले ऑफ करके मैं दिखा रहा, मेरा फोन का भी लाइट अभी ऑन हो चुका है। तो कैसे मेरे फोन का लाइट अभी चालू हो चुका है, मेरा वीडियो भी चल रहा है, मैंने अपने फोन मतलब लाइट को ऑफ कर दिया हूँ। अभी देखते हैं मेरा फोन का लाइट से कोई वीडियो नहीं चल पा रहा है। तो कैसे एप्लीकेशन फेक लगता है, और आप में से बहुत लोग देखते होंगे एड वगैरह की एप्लीकेशन काम करता है जो कि आपको एड में शो होता है। तो कैसे उस फोन में प्रोजेक्टर लगा होता है इसीलिए उस फोन में मतलब चल जाता है। अगर आपके फोन में लगा नहीं है, आप अपने फोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों आपके फोन में प्रोजेक्टर लगा नहीं होता है इसलिए आपके फोन में एप्लीकेशन काम नहीं कर पाता है। जिस फोन में लगा होता है उस फोन में एप्लीकेशन आसानी से वर्क करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू टू ऑल सब्सक्राइबर।